देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है दूर से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सच ही कहा है, प्रेम एक भाव है, एहसास है, जिसमें सब निर्विकार सुंदर व मनभावन प्रतीत होता है। यह भाव जब तक बंधन रहित व शब्दविहीन है, तब तक ही प्रेम जीवित है, एक आत्मिक अनुभूति। जब भी इसको शब्दों में व्यक्त किया जाता है ना, तब यह मृत हो जाता है और बच जाता है केवल और केवल स्वार्थ। फिर इसे बंधनों में बांधने के प्रयोजन शुरू हो जाते हैं, या छूने के प्रयोजन से वासना को शब्दों का खोल ओढ़ाकर लुभावने प्रयासों द्वारा मलिन किया जाता है। आत्मिक अनुभूति दैहिक हो जाती है और प्रेम को बदनाम करार कर दिया जाता है। केवल आकर्षण को प्रेम का लिबास पहना दिया जाता है और सब अर्थ अनर्थ कर दिया जाता है। उस समय आत्मिक अनुभूति दैहिक में कैसे परिवर्तित हो जाती है, ये विचारणीय विषय है। होता यह है कि पुरुष प्रेम आकर्षण से शुरू होता है और संवाद में गोते लगाता है, फिर प्रत्येक को छू कर महसूस करना चाहता है। उसका ये व्यवहार ही दैहिक में परिवर्तित होता है, जबकि नारी के लिए प्रेम आत्मिक अनुभूति होती है, एक पूजनीय प्रेम, एक पूजनीय विषय। नारी है कोमल, कमल रूपिणी दूर से ही अवलोके, नारी है कोमल कमल रूपिणी दूर से ही अवलोके, गंदला ना करे नारी को। तो इसके साथ मैं विदा लूंगी, नमस्कार।